स्टूडेंट्स असलम ए आई यूफ कैल्टी टाइम प्रोग्राम में मैं डॉक्टर फ़र मीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ uh, जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का तारु आपके सामने बयान करते हैं आज के प्रोग्राम में हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का तारुफ़ आपके सामने बयान करेंगे और इस तारफ़ के बयान करने के लिए आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्बास साहब हैं डॉक्टर uh, अब्बास साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट में आप एक्सपर्ट हैं लिंग्विस्टिक्स uh, के अंदर और आपने पी के लिए एच का स्कॉलरशिप विन किया आपकी डब्ल्यू कैटेगरी की पब्लिकेशंस हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का और रिसर्च का वो मोर देन टेन इयर्स है uh, आइए उनसे बात करते हैं एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी और एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी लिंग्विस्टिक्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके स्टूडेंट्स हैं और इनका एक नाम है लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में डॉक्टर साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कब डिपार्टमेंट बना डॉक्टर साहब ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है जैसे ही अलामा इकबाल उपन यूनिवर्सिटी बनी है उसके साथ ही डिपार्टमेंट को इस्टैब्लिश कर दिया गया था नाइनटीन में और इनिशियली हम जो प्रोग्राम्स लॉन्च करते थे वो इंग्लिश वन एंड इंग्लिश टू को कोर्सेज़ थे जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ऑफ़र करते थे लेटर ऑन डिप्लोमा इन टेफल नाइनटीन एटी फाइव में ऑफ़र किया गया जिसका बेसिक पर्पस था कि जो वो लोग टीचर्स uh, इंग्लिश के हैं जिन्हें एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप करने की ज़रूरत है जिन्हें लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को समझने की ज़रूरत है तो उनके लिए हमने 1985 में डिप्लोमा टैफल ऑफ़र किया फिर 1988 में इसी डिप्लोमा को एक्सटेंड करते हुए और मार्केटबिलिटी को देखते हुए पब्लिक uh, डिमांड को देखते हुए क्योंकि टीचर्स ने uh, जो लोग डिप्लोमा करके गए उन्होंने समझा कि इसके अंदर मैट्रिक uh, जो है वो मास्टर्स की डिग्री भी ऑफर होनी चाहिए तो फिर 1988 में मास्टर्स इन टेफल भी हमने ऑफ़र किया था सही। तो ये इनिशियली डिपार्टमेंट uh, का स्टार्टिंग पॉइंट था जो कि अब बड़ा एक वाइब्रेंट और डायनामिक डिपार्टमेंट की शक्ल में हमारा डिपार्टमेंट मौजूद है सही और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है जैसे आपने बताया कि एम ए टैफल जो है ये एक बड़ा वाइब्रेंट प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का और इसमें के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हुए हैं उनकी तादाद uh, हज़ारों में है अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इस वक्त प्रेजेंटली कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो या जो डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करता है डॉक्टर साहब अभी आपने जिक्र किया कि डिप्लो डिप्लोमा और मास्टर्स इन टेफल जो है ये बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट के और तकरीबन एक लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अच्छा, ना वो good. डिग्रीज ले चुके हैं डिपार्टमेंट से उसके बाद अभी रिसेंटली आर्टम 2019 में हमने बी एस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रोग्राम ऑफ़र किया है चूँकि बेसिकली मार्केट के अंदर बड़ी डिमांड थी और इस ग्लोबलाइज दौर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की डिग्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ग्लोबल एज जो इंग्लिश को मिला है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ग्लोबल वैल्यू ऑफ़ इंग्लिश हुई है तो so उसकी वजह से फिर हमने ऑटम टू में बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ़र किया फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर हमने ऑटम टू में बी एम फिल और पी एच डी जो है वो ऑफ़र किया है पीएचडी हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में ऑफ़र करवा रहे हैं लेकिन एम प्रोग्राम जो है हमारा उसमें दोनों ट्विन स्पेशलाइजेशन हैं आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के लिए जा सकते हैं या इंग्लिश लिटरेचर की स्पेशलाइजेशन के लिए भी जा सकते सही, हैं सही सही डॉक्टर साहब ये अलहमदिल्ला मेरे ख्याल डिपार्टमेंट जो है वो आलमोस्ट सारे जो इस वक्त प्रोग्राम हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जाते होंगे या उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो इनका क्राइटेरिया क्या है जो मिनिमम क्राइटेरिया स्टूडेंट्स मीट करें और दाखिला ले लें हमारा जो बीएस का प्रोग्राम है उसमें एफए uh, क्वालिफिकेशन है एमफिल uh, के प्रोग्राम के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री के अंदर जो है वो मिनिमम सेकेंड डिवीजन रिक्वायरमेंट है जिसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो एक टेस्ट लेता है जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन दोनों होते हैं अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो इंश्योर होता है सेम जो है वो पी का क्राइटेरिया है कि जिसमें आप एम की डिग्री रिक्वायरमेंट है और थ्री सी है उसके बाद डिपार्टमेंट एक टेस्ट कंडक्ट करता है जिसमें वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोर्शन दोनों होते हैं अगर वो टेस्ट क्वालीफाई आप करते हैं तो फिर डिपार्टमेंट जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है और ये यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट टू बैचेस जो हमारे पी के रन हो रहे हैं एक पी का जो बैच है उसके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो बसर से अपने टॉपिक्स के अप्रूवल ले चुके हैं दूसरा जो है बैच उसका भी हमने वर्कशॉप रिसर्च की की है अभी वो भी टॉपिक डेवलपमेंट पे जा चुके हैं और दोनों टाइम्स जब हमने पीएचडी ऑफ़र की दोनों बैजेस के लिए तकरीबन पाँच सौ से ज़्यादा तलबा जो थे और तलबात उन्होंने अप्लाई किया और उन तलबा और तलबात तलबा फाइव हंड्रेड प्लस में से हमने जो है ना वो तो तकरीबन ग्यारह बारह स्टूडेंट्स जो थे वो सिलेक्ट किए तो ये हमारे डिपार्टमेंट का ये भी एक खासा है सही डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि एम फिल और पी एच डी प्रोग्राम में टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिव पोर्शन ज़्यादा होगा और एन टी एस बेस टाइप जो है ना उसमें में क्वान्टिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन होगा बी एस प्रोग्राम के लिए भी सेकेंड डिवीजन रिक्वायर्ड होगी इंटर में या उसका क्राइटेरिया और डिफरेंट है जी बी एस के लिए भी जो कि चूँकि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वही डिपार्टमेंट फॉलो करता है और उसमें जाहरी बात है हम ऑल इंक्लूसिव जो है वो परसेप्शन लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वो एडमिशन के लिए जो है वो आगे आ जाते हैं सही डॉक्टर साहब ये भी बताएं स्टूडेंट्स को कि बी एस लेवल पर एम फिल और पी एच डी लेवल पे जो मोड ऑफ टीचिंग है वो क्या है क्या फ़ेस टू फेस टीचिंग है या ऑनलाइन या ऑडियल मोड पर है इसमें हमारे एम फिल और पी एच डी के जो प्रोग्राम्स हैं वो तो फ़ेस टू फेस है कैंपस में आके स्टूडेंट्स कैम्पस है बिल्कुल बाकी सारे प्रोग्राम जिसमें बी एस है डिप्लोमा टेफल है या एम ए टैफल है वो तीनों प्रोग्राम जो है ना वो हमारे ऑडियल मोड पर है सही डियर uh, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रिट्रीट कर दूँ कि एम फिल और पी के प्रोग्राम फेस टू फेस प्रोग्राम है और स्टूडेंट्स को मेन कैंपस इस्लामाबाद में, में आके क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी होंगी और बाकी जो प्रोग्राम है इंग्लिश के बी इंग्लिश है या जो डिप्लोमा इन टेफल है या एम ए टैफिल है जो अभी कंटिन्यूंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मोड ऑफ़ टीचिंग है वो ओडियल मॉड पर है जो कि जैसे पहले चल रहा था रूटीन में आ, उसी तरीके से वर्चुअल क्लासेस का भी इनका किया जाता है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती हैं जैसे एल के ऊपर बाकी स्टूडेंट्स भी पिछले कोविड से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो जो ओ की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन भी मैनेज की जाती हैं लेकिन एम और पी की क्लासेज़ फ़ेस टू फेस हैं और कैंपस के अंदर ही कंडक्ट की जाती हैं डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स को यह बताएं कि ये जो वाइब्रेंट प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट ऑफर करता है उसके लिए फैकल्टी कौन कौन सी अवेलेबल है डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सबके पास पीएचडी की डिग्री है या लिंग्विस्टिक्स में या लिटरेचर में और फिर सब के सब जो हैं वो मोर देन टेन इयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने चेयर पर्सन साहब की डॉक्टर अजमल साहब उनका तकरीबन ट्वेंटी सेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस है फॉरेन एक्सपोजर है और वो बड़ा स्टूडेंट सपोर्टिव अप्रोच को लेके चलते हैं कि स्टूडेंट को हर स्टेप के ऊपर प्रॉपरली गाइड किया जाए वो बड़ा फादरली फिगर के साथ लेके स्टूडेंट्स को जो है ना उंगली पकड़ के जिसको हम कहते हैं वो उस तरह से गाइड करके चलते हैं डॉक्टर कमाल खान साहब हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे सर्व कर रहे हैं डिपार्टमेंट को और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पाक टिसोल का प्रोजेक्ट है वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रिसेंटली अभी उन्होंने तकरीबा ट्वेल्व कॉन्फ्रेंस जिफरेंट रीजनज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट करवाई हैं जो एक बहुत जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए बड़ा एक और ये डिपार्टमेंट के लिए बड़े फ़खर की बात है क्योंकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट इसको लीड कर रहा है इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये एक बड़ा ऑनर है डिपार्टमेंट के लिए जी बिल्कुल ऐसे ही है उसके बाद हमारे पास डॉक्टर सायरा मकबूल हैं डॉक्टर राशिदा इमरान हैं डॉक्टर उबैद साहब हैं ये भी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं तकरीबन दस साल से ज़्यादा हो गया इन्हें डिपार्टमेंट में फिर डॉक्टर मुनीर खटक साहब हैं मैं हूं डॉक्टर फारूक अब्बास तो ये हमारी फ़ैकल्टी है इंग्लिश डिपार्टमेंट ज़बरदस्त सर सर ये तो माशाल्लाह बड़ी वाइब्रेंट फैकल्टी है और सारे ही माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और डेफिनेटली स्टूडेंट्स को जो है ना आपसे लर्निंग एक्सपीरियंसिस का एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और स्टूडेंट्स uh, आपसे सीखेंगे भी सही डॉक्टर साहब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं एम फिल पी इन तमाम के अंदर स्टूडेंट्स को रिसर्च जो है वो uh, एक कंडक्ट करनी होती है तो ये बताइए स्टूडेंट्स को कि डिपार्टमेंट रिसर्च की uh, जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से इनक्रेज करने के हवाले से और रिसर्च डिसमिनेशन के हवाले से uh, कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम एक तो सेमिनार्स करवाता रहता है फिर अभी जिसका मैंने हवाला दिया पाक टिसोल कॉन्फ्रेंस जो एक बड़ा प्लेटफार्म था वाइब्रेंट जिससे हमने ट्वेल्व कॉन्फ्रेंस फ्राम दाक टिसोल प्लेटफार्म की अभी रिसेंटली डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब उनका एक सेमिनार हुआ है फिलोसॉफिकल कंसिड्रेशन ऑफ़ रिसर्च पैराडाइम्स के ऊपर तो ये कॉन्फ्रेंसिज़ और सेमिनार का जो इनका है वो टाइम टू टाइम होता रहता है उसके बाद अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीक में एम और पी के स्टूडेंट्स की तीन वीक ए, की वर्कशॉप जो है वो हमने कंडक्ट की है जिसमें उनको प्रपोज़ल डिवेलपमेंट डिफरेंट रिसर्च के टॉपिक्स के ऊपर गाइड किया है sure. अभी वो स्टूडेंट्स जो एम और पी का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके थे अभी वो वर्क उस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के बाद अपने रिसर्च प्रपोजल की डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं तो ये रिसर्च कॉन्फ्रेंसिस रिसर्च वर्कशॉप्स और रिसर्च सेमिनार ये हम टाइम टू तो टाइम कंडक्ट करते रहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने आप को फेमिलियरइज़ कर सकें सही डॉक्टर साहब डिपार्टमेंट कोई रिसर्च जर्नल भी लॉन्च कर रहा है या इरादा रखता है जी डिपार्टमेंट ने रिसर्च जर्नल स्टार्ट किया हुआ है अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एच ई सी रिकगनीशन हमें मिल जाए ताकि वो एक बड़ा वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म जो है ना वो बन जाए ये डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि हमारे जो एम के स्टूडेंट्स हैं बी के स्टूडेंट्स हैं एम फिल स्टूडेंट्स हैं चूँकि वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं और ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो रिसर्च को पब्लिश भी करवाएँ यहाँ पे डी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि लामा इकबालपाई यूनिवर्सिटी के पास डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स और आर्टिकल्स हैं रिसर्च आर्टिकल जिससे स्टूडेंट्स इसफ़ादा हासिल कर सकते हैं इसके अलावा लाखों की तादाद में बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनसे स्टूडेंट्स इस्तादा हासिल कर सकते हैं और हमारे पास जो आ, लाइब्रेरी है वो मॉडर्न जो है ना बेसिस के ऊपर और मॉडर्न जो लेटेस्ट बुक्स हैं जो इंग्लिश के हवाले से लिंग्विस्टिक्स के हवाले से लिटरेचर के हवाले से वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स आएंगे तो वो अपने आप को रिसोर्सफुल जो है वो यहाँ पे फील करेंगे तो डॉक्टर साहब कोई रिसोर्स सेंटर कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डिपार्टमेंट जो है वो शुरू करने का इरादा रखता है जी अभी डिपार्टमेंट ने एक रिसोर्स सेंटर डिपार्टमेंट के पास है जिसके पा, जिसके अंदर काफ़ी सारी किताबें हार्ड फॉर्म में भी पड़ी हुई हैं और फिर डिजिटल एक्सेस टू डिफरेंट डाटा बेस और डिफरेंट लाइब्रेरीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कनेक्ट किए हुए हैं वहाँ से डिजिटल एक्सेस भी स्टूडेंट्स लेते हैं और ऑन कैंपस एक लाइब्रेरी हार्ड फॉर्म की भी है हार्ड फॉर्म बुक्स जो प्रोवाइड करती है रिसोर्स सेंटर जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट का और वो रिसोर्स सेंटर हम छोटा सा सेमिनार वगैरह सेमिनार कंडक्ट करने के लिए चूँकि स्पेस कम है तो छोटा मोटा सेमिनार करने के लिए या अगर कोई वाइवा कंडक्ट करवाना हो तो हम उस रिसोर्स सेंटर को यूज़ करते हैं सही डॉक्टर साहब जैसे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती जाती हैं और नए प्रोग्राम्स और नए जो डिप्लोमास हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जो हैं आजकल स्पेशली ऑनलाइन वो ऑफ़र किए जाते हैं तो क्या डिपार्टमेंट कोई इरादा रखता है इस तरह का कि फ्यूचर में कोई नए प्रोग्राम्स या नए सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ़र किए जाएँ जी अगर हम डिपार्टमेंट के फ्यूचर प्लान्स को देखें तो तीन चार चीज़ें जो हमारा फोकस हैं अभी एक तो रिसर्च जनरल का हमने ज़िक्र किया है तो हमारा फोकस है कि रिसर्च जनरल को जो है वो एच से जो है वो रेकग्नाइज़ करवाया जाए एक तो उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं दूसरा हम एक कारपस सेंटर डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज़ का डाटा ले जो है ना उसकी प्रोसेसिंग की जाए उसके इंटरप्रेटिव प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया जाए फिर एक लैंग्वेज लैब हम बना रहे हैं जिसमें शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज़ टू मंथ्स थ्री मंथ्स ऑफर किए जाएँ फिर उसके बाद डिफरेंट uh, फैकल्टीज़ के अंदर जो हम इंग्लिश के कोर्सेज़ कर रहे हैं उसको ऑफर कर रहे हैं उनको हम थोड़ा इंग्लिश व स्पेसिफ़िक परपज़ के हवाले से मोल्ड करना चाह रहे हैं चूंकि एक तो उन स्टूडेंट्स uh, की रिक्वायरमेंट जनरल इंग्लिश होती है लेकिन उस जनरल इंग्लिश के हवाले के साथ साथ फॉर एग्जांपल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको इंजीनियरिंग के अनवारमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफ़िक लर्निंग इंग्लिश की भी चाहिए होती है तो हम काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफ़िक पर्पज़ के कोर्सेज़ जो है ना वो हम डिवेल्प करके डिफरेंट फैकल्टीज़ को प्रोवाइड करें सही डॉक्टर साहब आखिर में स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं इधर ऑन बी लेवल इधर ऑन एम फिल आर पी लेवल उनके लिए कोई पैगाम अच्छा स्टूडेंट्स के लिए ये पैग़ाम है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ़ इंग्लिश इंग्लिशा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें हमारा फोकस हमेशा से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट पे है और जो लेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की टेक्नोलॉजी है प्रैक्टिकल और थ्रेटिकल आस्पेक्ट्स को हमने अपने डिग्रीज के अंदर इंटाग्रेट किया हुआ है और उसके अलावा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन रिसर्च ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है उसके ऊपर हमारा फोकस है तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ़ इंग्लिश इंग्लिशा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो इनशाला आप एक बड़े हॉलिस्टिक डिप्लमेंट के प्रोसेस से गुजरेंगे और आपको एक कम्पटिव एज मिलेगा इन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज़ इनशाला थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने डिपार्टमेंट का तारफ़ तफ़ी के साथ स्टूडेंट्स के सामने रखा डियर uh, स्टूडेंट्स uh, कुछ चीज़ें मैं रिट्रीट कर दूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर कर रहा है बी एस एम फिल और पी एच डी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है जिसमें स्पेशलाइजेशन में, में लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों तरह की स्पेशलाइजेशन ऑफर की जा रही हैं और डिपार्टमेंट जो है वो एक रिसर्च जर्नल भी लॉन्च करने जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स की जो रिसर्च है उसकी पब्लिकेशंस भी हों और स्टूडेंट्स को इनक्रेजमेंट भी मिले इसके अलावा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी भी प्रोग्राम के हवाले से डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विज़िट विज़ करें और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मेंशन है और कोऑर्डिनेटर्स के ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं आप कॉल कर सकते हैं आप ईमेल कर सकते हैं और अपनी जो क्यूरी है उसका आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएगा उम्मीद है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का जो तारफ़ है वो हमने आपके सामने डिटेल्स रख दिया आपका जो इंटरेस्ट है आपको मज़ीद इंफॉमेशन चाहिए तो वो सारी की सारी इन्फॉमेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है मुझे इजाज़त दीजिए इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइदाबाद